हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने पोर्टफोलियो को गूगल शीट में किस तरीके से बना सकते हैं जिससे हमारे प्राइसेस ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा कि हमारा कौन सा स्टॉक प्रॉफिट में है, हम उसमें टारगेट प्राइस भी लगाकर रखेंगे, स्ट्रेटजी का नाम भी लिखकर रखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमें उसको कब बेचना है। तो हमें अलग से कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसी में पता चल जाएगा हमने कब कितने पैसे लगाए और किस किस स्टॉक में कितने कितने लगे हुए हैं, फाइनली हमारा सीएजीआर कितना है, किस स्टॉक में हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम एक गूगल शीट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल शीट तैयार करने का तरीका क्या है, हम यहां पर जाएंगे और गूगल के ऊपर गूगल शीट करके भी अगर हम सर्च करेंगे तो सिंपली हमें ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कमिंग, गूगल यहाँ पर सर्च क्यों नहीं कर रहा है। तो वैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे तो गूगल शीट का एक लिंक निकल कर आ जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, न्यू गूगल शीट आप बनाओगे और ये गूगल शीट आपकी गूगल ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी। तो ये इस तरह का एक फॉर्मेट होता है। हम यहाँ पर फाइल में जाकर एक न्यू गूगल शीट यहाँ से भी बना सकते हैं, इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये बन जाती है, आप इसको सेव कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगी जो भी आपका आईडी खुला होगा उसके ऊपर जाकर। तो यहां ये चीज आसान है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसके तीन सेक्शंस बनाएंगे। देयर विल बी थ्री सेक्शंस, ओपन पोजीशंस, जो पोजीशंस हम क्लोज कर चुके हैं और यहां पर जितना जितना पैसा हमने इसमें लगाया है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जितनी भी मैंने फिगर्स यहां पर लिखी हुई हैं ये हाइपोथेटिकल हैं, ये मैंने एग्जांपल्स के लिए लिखी हैं, ये मेरे अपने एक्चुअल ट्रेड्स नहीं हैं, यहां पर मेरा पर्पस आपको समझाना है। तो यहां पर जैसे ओपन पोजीशन में से फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 स्टॉक्स हैं, तो हमने क्या किया, सीरियल नंबर लिखा, उसके बाद में स्टॉक्स लिखा, देन बाय डेट, देन बाय प्राइस, और बाय प्राइस ये हमारा अपना प्राइस होगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमने मुथूट कैपिटल फॉर एग्जांपल यहां पर जो परचेज किया, अगर इसको अलग अलग डेट पर परचेज किया है तो हम इसी में यहां पर एक लाइन को ऐड कर लेंगे और यहाँ पर दूसरी एंट्री करेंगे, यहाँ पर एवरेजिंग करके नहीं लिखेंगे जिससे हमें एक्चुअल में पता चले कि कब कब हमने कितना कितना इसको परचेज किया है। हम इसमें जितनी मर्जी लाइंस ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट वन रो करेंगे तो यहाँ पर लोअर इंसर्ट हो जाएगी। इसके लिए आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो कि गूगल शीट को एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट किया जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में आ जाएगा बाय प्राइस, देन वी विल मेंशन द क्वांटिटी और यहाँ पर बाय वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला आप यहां से देखकर कॉपी कर सकते हो। तो फॉर्मूले में क्या किया, इक्वल टू और यहां पर कर्सर लेकर आए D3 में, फिर क्वांटिटी के हमने क्या किया मैं आपको बता देता हूं, एग्जैक्टली मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इक्वल टू हमने लिखा, इक्वल टू लिखने के बाद में हमने यहां पर क्लिक किया, फिर मल्टीपल किया और फिर हमने यहां क्लिक किया और एंटर किया। तो और इसके बाद में इसको कॉपी किया और नीचे सारी लाइन में हमने यहां पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। तो ये एक तरीका होता है फॉर्मूला लगाने का। हमने यहां फॉर्मूला लगाया, करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली आएगा गूगल से, गूगल वेबसाइट से ऑटोमेटिकली इसका करंट मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, जो यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है इसको एज इट इज कॉपी करना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले इस पूरी शीट को एज इट इज कॉपी करना है, जो मैंने नई शीट बनाई यहां पर इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेना है। तो यहां पर ये पूरी की पूरी एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा यहां पर जो मैंने यहां पर शेयर्स के नेम लिखे हुए हैं, आप अपने शेयर्स के नेम लिखेंगे, अपने यहां पर जितने शेयर्स हैं आपके ओपन पोजीशन में उनको यहां पर मेंशन कर लोगे। मैं आपको समझा देता हूं, तो करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहां पूरा फॉर्मूला लगाया हुआ है, देन करंट वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया है करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और यहां पर परसेंटेज गेन भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा, यह भी फॉर्मूला लगा हुआ है। फिर उसके बाद में मैंने यहां पर डेज लिखा और यहां एक फॉर्मूला लगाया इक्वल टू टुडे, तो इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, इससे क्या होता है करंट डेट आ जाती है और करंट डेट के बेस पर यहां पर हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ डेज से हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखा है, कितने दिन हमारे हो गए हैं। यहां पर आप स्ट्रेटजी का नाम लिख सकते हो, आपने क्यों परचेज किया, जैसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कफ विद हैंडल पैटर्न, मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर इसको मेंशन किया है। टारगेट प्राइस किस बेस पर लिखेंगे, टारगेट प्राइस हम जिस स्ट्रेटजी के बेस पर हमने परचेज किया है उसी स्ट्रेटजी के बेस पर हम यहां पर टारगेट प्राइस लिखेंगे। इसी से यहां पर डिसिप्लिन आता है
कि जब तक ये टारगेट प्राइस हिट नहीं होगा आई विल नॉट सेल दिस स्टॉक, क्योंकि मैंने परचेज क्यों किया, मैंने पहले बिजनेस एनालाइज किया, फिर मैंने फंडामेंटल उसके चेक किए, एनालाइज किए, उसके बाद में टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखा, जो स्ट्रेटजी देखी उसका नाम लिखो, उसके बेस पर जो टेक्निकल प्राइस निकल कर आता है सिर्फ वहीं सेल करेंगे। तो जब टेक्निकल प्राइस हमारा यहाँ पर डिसाइड हो गया कि सेल करेंगे तो पोटेंशियल गेन कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल गेन आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाया हुआ है कि पोटेंशियल गेन हमारा इतने परसेंट बैठता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट हम सिर्फ इसके बेस पर कमाने वाले हैं। रिमेनिंग गेन कितना बचा है, रिमेनिंग गेन बचा है यानी कि जो टारगेट प्राइस है, टारगेट प्राइस से हमारा जो करंट का प्राइस है उसको लेस करके इतने परसेंट और कमाना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल के इस पर्टिकुलर केस में हमारा 33.94% गेन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो कितना गेन बचा है, 4.52 बचा है। और जैसे ही यहाँ पर ये फिगर माइनस में आ जाएगी रिमेनिंग गेन, इसका मतलब यहां पर टारगेट हिट हो गया है, ये फिगर माइनस में आ गई है, हमने इतना ओवर अचीव कर लिया, तो जैसे ही ये फिगर माइनस में दिखे हमें उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहां पर ये ऑटोमेटिकली हमें इस बात को बता देगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहां पर एक अलग से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, टूल्स में गए, टूल्स में नहीं गए, फॉर्मेट में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और यहां पर हमने किया नॉट एम्प्टी को हटा देते हैं यहां से, और इसको करते हैं लेस देन। जैसे ही हम इसको जीरो करेंगे और उसके बाद में हम यहां पर कलर की बात कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट कलर आप ये भी ले सकते हो और आप इस कलर को यहां पर चेंज भी कर सकते हो। यहां पर कलर चेंज करने के लिए आप इसको रेड कर सकते हो। तो क्या होगा, डन कर दिया। अब जैसे ही यहां पर कोई भी फिगर माइनस में आएगी, जैसे ही टारगेट अचीव होगा उसका ये कलर रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरा टारगेट यहां पर अचीव हो गया है। तो ये एक तरीका होता है ऑटोमेटिकली यहां पर पता करने का कि ट्रैकिंग एक एक करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसमें टारगेट अचीव हुआ किसमें नहीं हुआ। टारगेट वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी कि जो अपना टारगेट प्राइस है उसको हमने मल्टीपल किया नंबर ऑफ शेयर से, टारगेट वैल्यू आ गई। टारगेट वैल्यू का यहां पर बेनिफिट क्या है, जब हम टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा करंट शेयर्स जो हमारी करंट होल्डिंग है, जब सबके टारगेट अचीव हो जाएंगे तो हमारा पैसा कितना हो जाएगा। यहां पर जैसे फॉर इन दिस एग्जांपल This is 16.95 lakh और current valuation कितनी है, 10.58 lakh। तो इसको देखकर बड़ा मन में एक satisfaction आता है कि जब हम इनको सिर्फ और सिर्फ अपने target hit करने पर निकालेंगे तो हमें यहाँ इसका benefit होने वाला है, हमारा पैसा इतना होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, पेट में गुदगुदी करने की जरूरत नहीं है, इवेंट्स को देखकर, न्यूज को देखकर अपनी strategy के बेस पर यहाँ पर टिके रहो, क्योंकि हमारा पैसा इतना हो जाएगा। अगर 3 months में नहीं होगा, 6 months में हो जाएगा, 6 months में नहीं होगा, 1 year में हो जाएगा। ये फिगर देखकर यहां पर हमें पता रहता है ये पोर्टफोलियो हमारा कितना होने वाला है करंट स्टॉक्स के बेस पर। और जब कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट बुक हो जाए तो उस स्टॉक को यहां से निकालकर नीचे क्लोज पोजीशंस में लाकर रख लो, और क्लोज पोजीशंस में लाकर सारी इंफॉर्मेशन यहां पर ऑटोमेटिकली आपके पास है ही, जो नहीं है वो फिल कर लो, और यहां आपको पता चल जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितने परसेंट गेन कमाया, कितने दिन में कमाया, और यहां पर एनुअल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। 28 डेज में जब 21% गेन है तो हम इसको क्या करेंगे, 21% गेन डिवाइडेड बाय 28 यानी कि 28 डेज में एंड मल्टीप्लाई बाय 365। अगर सेम स्पीड से गेन आता रहता तो कितने परसेंट गेन होता है, इसको एनुअलाइज्ड गेन कहते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि अगर हम यहां पर 40% से ज्यादा हमारा एनुअल गेन आता रहता है तो यानी कि हमारी CAGR इवेंचुअली व्हेन All the profits will be booked, means profit will be booked in all the stocks, then we will have 40% plus CAGR. इससे हमें ये चीज पता चल जाएगी, 40% CAGR हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हम टोटल प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब इसके साथ में एक और चीज जो मैंने यहाँ पर साथ में इसमें बना दी है कि हमने कब कब कितना कितना पैसा यहाँ पर मेंशन हमने इन्वेस्ट किया लगाया, उसकी हमारी CAGR कैसे निकल कर आएगी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, जिस डेट को जितना पैसा लगाया उसको माइनस में लिखो, आगे इन्वेस्टमेंट लिख लो, नहीं भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा। माइनस की फिगर मीन्स इन्वेस्टमेंट और प्लस की फिगर मींस विड्रॉल। तो यहां पर अगर इस बीच में हमने कुछ पैसा निकाला होता तो उसको प्लस में लिखते डेट के साथ में। तो यहां पर हमने नहीं लिखा, निकाला सारा पैसा लगाते गए, सबसे लास्ट में आज की डेट यहां पर आ जाएगी। इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया टुडे, तो इसको हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एवरी डे जब भी आप इसको ओपन करोगे ये ऑटोमेटिकली आपकी CAGR पता चल जाएगी कितनी आई है। नो सेकंड कैलकुलेशन, नो रीवर्किंग, सिंगल शॉट में सारा काम हो जाता है अपने आप से। तो हमारा टोटल पैसा कितना लगाया, 708
708,000 जो इन सबका टोटल है। करंट वैल्यूएशन कितनी है 1058। यहां पर करंट प्राइस लिखेंगे, करंट की इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो ये जो अमाउंट है ये कौन सी अमाउंट है जो हमने टोटल इन्वेस्ट किया 708 प्लस जो हमने नीचे प्रॉफिट बुक किया हुआ है वो, तो यहां पर इन दोनों का टोटल मिलाकर ये आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफिट बुक करते गए हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एड होता गया और हमारी ये फिगर आ गई। तो यहां पर क्या करेंगे, कितना कितना पैसा लगाया, आज की डेट में क्या वैल्यूएशन है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, टोटल प्रॉफिट कितना है 3,50,000 रुपीज, क्योंकि आज की वैल्यूएशन इतनी है, पैसा इतना लगाया, हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है हमारा ऑलमोस्ट 50%, लेकिन 50% CAGR नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पैसे को लगाए हुए एक साल से ज्यादा हो गया, अलग अलग टाइम पर पैसा लगाया, तो CAGR कैसे कैलकुलेट होगी, उसका अलग से हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो इस आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरी शीट को उठाना है, कॉपी करना है और अपनी फिगर्स उसमें ऐड कर देनी है और ये सारी चीजें अपने आप से ठीक हो जाएगी। इस पर्टिकुलर शीट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको ओपन करके अपनी शीट बनाकर उसमें कॉपी कर सकते हो। इसमें चेंजेस आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने इसमें चेंजेस कर दिए तो सब बेकार हो जाएगा, आप अपनी फिगर्स लिख लोगे, बाकी सब कैसे काम कर पाएंगे। यहां से पूरे कंटेंट को कॉपी करो, अपनी एक शीट में पेस्ट करो, वहां पर अपनी फिगर्स को, एक्चुअल फिगर्स को उसमें मॉडिफाई कर लो। तो इस तरीके से काम करने से साल दर साल हमें पता रहेगा कि हमारा CAGR कितना है, मार्केट डाउन है तब भी CAGR कितना है, जब इनके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे सारे प्रॉफिट्स के तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा। और जब इस तरह से हम चीजों को मेंटेन करके चलेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को मेंशन करके चलेंगे, तब हमें यहां पर पता रहेगा क्या हम राइट ट्रैक पर हैं। हमने ऐसे ही किसी के कहने पर तो कुछ परचेज नहीं कर लिया, क्योंकि जैसे ही आप किसी के कहने पर ऐसे ही परचेज कर लोगे तो उसके आगे स्ट्रेटजी का नाम लिखना पड़ेगा। अब स्ट्रेटजी का नाम लिखना पड़ेगा तो फिर आप क्या नाम लिखोगे कि इसको किससे पूछा था, मानवेंद्र भाई से पूछा था या सुरेश भाई से पूछा था। तो पूछने से हमें पता चल जाएगा ना कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। वी मस्ट ट्रेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज, जो वेल प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं उनके बेस पर ही काम करना चाहिए। तो इससे हम डिसिप्लिन में रह पाते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना, सीखना जारी रखना, यहां पर वीडियो को दोबारा से देखना जिससे समझ में आ जाए और इंप्लीमेंट करना। बिना इंप्लीमेंट किए कोई भी लर्निंग बेकार होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।